मध्य प्रदेश की इस ऐतिहासिक पवन भूमि में मूलवासी संघ का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है और इस महाधिवेशन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और भी कई राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए सभी हमारे साथी, मैं सभी को बहुत ही आदर और प्रेम से जय मूलवासी, जय भीम। आज के इस प्रोग्राम के संचालक मूलवासी एचआर गौतम जी, जिन्होंने प्रस्तावना की, मूलवासी डॉक्टर उदय सिंह जी, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शामिल हमारे आर के विद्यार्थी जी बीबीएन सत्यनारायण जी और रंजीत बास्के जी, और जिनकी अध्यक्षता में ये सेशन हमारा हो रहा है, वो मोहम्मद हनीफ हंसलोट जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। साथियों, विषय है मूल निवासी पहचान से ही एससी, एसटी, ओबीसी एवं इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक के अस्तित्व का उलगुलान। मैं बहुत ही आदर के साथ शुरू में ही ये बता दूं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास ये मेरा सबसे प्यारा विषय भी रहा है। बहुत सारे साथियों को ये सुनकर भी ताज्जुब होता है कि एक मुस्लिम है और छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड का महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष है। क्योंकि हम लोग इतिहास को उन लोगों के लिखे गए ग्रंथों के जरिए पढ़ते हैं जिन्होंने कोई इतिहास का निर्माण नहीं किया है। हम उन लोगों के ग्रंथों को पढ़ते हैं जिन्होंने इतिहास का निर्माण नहीं किया है, इतिहास नहीं बनाया है, और जिन्होंने इतिहास निर्माण किया उन्होंने ग्रंथों को लिखा नहीं। और यही कारण है कि हमारे सामने ढेर सारे ऐसे पुस्तक, ऐसे ग्रंथ, ऐसे स्क्रिप्ट्स, ऐसी कादंबरी, ऐसी कथाएं, पटकथाएं, सिनेमा, ड्रामा और रिसर्च पेपर के नाम पर झूठे पेपर्स लगातार रखे जाते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि भारत के जो मुसलमान हैं, धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं, उनसे द्वेष निर्माण हो, उनसे द्वेष निर्माण होना चाहिए। इसीलिए हजारों की संख्या में इतिहास के स्कॉलर के नाम से जो तथाकथित ग्रंथकार, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखे हैं। मैं खास तौर से मराठी भाषी हूं, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और करीब करीब पूरे महाराष्ट्र में 350 से ज्यादा व्याख्यान मेरे, लेक्चर मेरे सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज पर हुए हैं। और मैंने जो इतिहास का अभ्यास किया है, मैं आपको डंके की चोट पर बता सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये एक सच्चे और ईमानदार शासक थे, जिन्होंने बहुजनों के हितों की रक्षा की, उनके हाथों में तलवार दी, किसानों की रक्षा की, उनके खेतों की रक्षा की, महिलाओं की रक्षा की, और ऐसा करते वक्त उन्होंने कभी भी जाति और धर्म के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। मेरी रिक्वेस्ट है, जो कंट्रोल रूम के अनाउंसर हैं, जो साथी
कंट्रोल रूम के जो साथी बार बार अनाउंस कर रहे हैं, मेरी उनसे विनंती है कि कृपया वो अनाउंसमेंट अपना बंद कर दें। कंट्रोल रूम के साथी जो बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मेरी उनसे विनंती है कि प्लीज वो अपना अनाउंसमेंट बंद कर दें। तो साथियों, मैं बता रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा करते वक्त कभी भी जाति और धर्म के बीच में भेदभाव नहीं किया। और ये बात औरंगजेब के दरबार का जो इतिहासकार है खफी खान, उसने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये सभी जाति और धर्म का आदर करने वाले राजा थे। किसने लिखी ये बात? शिवाजी महाराज के दरबार के किसी इतिहासकार ने नहीं लिखी। जिनको आप और हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो औरंगजेब का दरबार का इतिहासकार लिखता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये कभी भी जाति धर्म के बीच में भेदभाव नहीं किया एक शासक के रूप में। इसीलिए उनका आरमार प्रमुख जो होता है, जो नेवी दल होता है उसका प्रमुख मुसलमान था, जो घोड़ दल का प्रमुख मुसलमान था, तोपखाने का प्रमुख मुसलमान था, और जो हथियारों को बनाने और उसको संरक्षण करने और उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए जो प्रमुख था वो भी मुसलमान था, और उनमें से एक मेरे पूर्वज थे दफेदार, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में थे। दफा मतलब डिफेंस, तो वो दफेदार हैं जिनके पूर्वजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सेवा की है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र में हमेशा जातीय दंगल होते रहे, जातीय तनाव बढ़ाया जाता रहा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कल एक प्रोग्राम हुआ महाराष्ट्र में, श्री श्री रविशंकर जी, कोई आध्यात्मिक गुरु वगैरह। हमारे भारत में आध्यात्मिक गुरुओं की बहुत भरमार है, इतनी भरमार है कि आपको एक ढूंढो तो हर शहर में दो पांच मिल जाएंगे। और फिर वो राहु और केतु और ये और वो जो शनि वगैरह बहुत सारी जो चीजें होती हैं, वो पूरे विश्व में सिर्फ भारतीयों पर ही कंट्रोल किए हुए हैं, और विश्व में उनको कभी भी किसी देश के लोगों के जीवन में, शादी में, ब्याह में, संपत्ति में, घर खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारी जितनी वो ग्रह हैं वो सब भारत के लोगों के लिए हैं। तो ये जो अलग अलग किस्म के बाबा बुआ और आध्यात्मिक गुरु, अगर इतना ही कुछ चमत्कार या कुछ ऐसी शक्ति या कुछ कुछ तो भी अगर ऐसा है, तो कम से कम इतना तो कर दे कि हमारे किसान जो इस देश में कम से कम हर साल 20,000 से 30,000 आत्महत्या करता है, उसको आत्महत्या को ही रोक दें। और कुछ नहीं कर सकते तो इस आत्महत्या को ही रोक कर बताएं, तो हम भी कहेंगे अरे वाह बाबा, आपने तो वाकई चमत्कार कर दिया। तो श्री श्री रविशंकर ने पिछले साल कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो स्वामी रामदास थे, और इतिहास पढ़ने पर आपको पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सबसे सही गुरु थी उनकी माताजी थी जीजा माता, और उनके आध्यात्मिक गुरु थे संत तुकाराम। और एक गुरु का नाम लिया जाता है जो इतिहासकारों ने लिखा है, जिसके ऑथेंटिक संदर्भ हैं, वो है संत याकूत बाबा, एक मुस्लिम। उनके पूर्वजों की भी आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, वो शाहजी नाम पड़ा है एक मुस्लिम सूफी के नाम से, क्योंकि उनके दादा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादा थे
मालोजी राजे भोसले, उनको जब संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने शाह शरीफ नाम के एक सूफी संत के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए कि मेरी संतान हो जाए। तो उनको दो बेटे हुए। दो बेटे होने के बाद में मालोजी भोसले ने उन दो बेटों के नाम रखे शाह जी और शरीफ जी। ये इतिहास है। यानी जिनके घर में कभी भी जाति धर्म के कारण भेदभाव नहीं हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी करीब करीब सारी जिंदगी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया, इसके बावजूद उनके पिताजी शाहजी भोसले ये सारी जिंदगी आदिल शाह बीजापुर का जो शासक था उसके यहां सरसेनापति थे। ये इतिहास में बता रहा हूं आपको, ऑथेंटिक इतिहास बता रहा हूं। क्योंकि जब मैं देखता हूं कि आज हमारे भारत में जो कई समस्याएं हैं, जिनमें से एक समस्या हमारी आइडेंटिटी की है, हमारी पहचान की है, कि आखिर हमारी पहचान है क्या। जब आप इसको समझना चाहेंगे तो आपको भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति और साथ ही साथ भारत की वो राजकीय परिस्थितियां भी समझना पड़ेगी। तब आपको समझ में आएगा कि बामसेफ ने मूल निवासी ये एक शब्द, जैसे स्कड मिसाइल होता है, उस ब्राह्मणवाद के सारे साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए एक शब्द है मूल निवासी। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था आज, तो एक हिंदी मैगजीन न्यूज़पेपर जो राजस्थान से निकलता है, मैंने उसमें पढ़ा कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं संघकार दत्तात्रेय होस भोले ने कहा, मजबूरी में गो मांस खाने वालों के लिए दरवाजे खुले। आप देख सकते हो न्यूज़पेपर आज का, वीरभूमि ऐसा कुछ दैनिक का नाम था आज की, क्या लिखा है उन्होंने, मजबूरी में गो मांस खाने वालों के लिए दरवाजे खुले। मैं जो बात कर रहा था पहचान हमारी, जो आज का विषय भी है साथियों, मेरे नजदीक मैंने जितना समझने की कोशिश की है, हमारा जो सबसे बड़ी समस्या है वो इतिहास में छुपी है। मैं ऐसा मानता हूं व्यक्ति तौर पर, क्योंकि हमारे सामने हमारा सत्य इतिहास कभी रखा ही नहीं गया। हम कौन हैं ये हमको नहीं बताया गया। इतिहास निर्माण करने वालों ने इतिहास नहीं लिखा, और जिन्होंने लिखा उन्होंने इतिहास नहीं बनाया। और हमारे सामने हजारों पन्ने, चाहे बच्चा पहली में पढ़े, दसवीं में पढ़े, ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, पीएचडी हो जाए, जितने न्यूज एंकर्स होते हैं, न्यूज एडिटर्स होते हैं, उनके पास आप देखिए ग्रंथ जो रहते हैं वो उन लोगों के होते हैं जिनका हमारी संस्कृति से, हमारे खान पान से, हमारे तरीके से कोई सरोकार संबंध नहीं होता। हम उनके ग्रंथों को पढ़कर अंधे बनते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़कर हम द्वेष करते हैं, और एक ऐसी झूठी दुनिया में हम लोग रहते हैं जहां हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारा और इस देश के सभी एससी एसटी ओबीसी यहां तक के मुसलमानों का डीएनए एक है। किसने कहा? हम लोग बामसेफ के लोग, इस देश के मालिक लोग, हम ये कहते हैं कि इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज इन सबका डीएनए एक है, ये तो हम कहते हैं, और इसके बारे में कई निष्कर्ष भी हुए। लेकिन आरएसएस का जो संघ सरकार वा है, उप चीफ जिसको आप बोल सकते हो, वो कह रहा है कि ब्राह्मणों का सहित सभी हिंदुओं का और सभी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज का डीएनए एक है।
मैं आप सबके सामने दत्तात्रेय होस बोले को खुला चैलेंज करता हूं कि उनका और मेरा डीएनए एक नहीं है, साबित करके बताओ। और मैं ये भी कहता हूं इस मंच से कि मेरा और तुम्हारा डीएनए एक है, लेकिन उस दत्तात्रेय का और मेरा डीएनए और आपका डीएनए एक नहीं हो सकता। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या की गई, ब्राह्मणों ने की है हत्या। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इतिहास बोल रहा हूं मैं आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज की रायगढ़ किले पर हत्या की गई, ब्राह्मणों ने हत्या की। राजाभिषेक को इनकार किया, ब्राह्मणों ने किया। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, ब्राह्मणों ने की। 1680 से 1701 यानी सिर्फ 21 साल में तीन छत्रपति की हत्या ब्राह्मणों ने की। उसके बाद में पेशवाई आ गई। एक छोटा सा सवाल यह पैदा होता है कि अगर मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की उस शिवशाही को परास्त किया, हराया, तो महाराष्ट्र में मुगलों की सत्ता आनी चाहिए थी। भाई जो जीतता है उसकी सत्ता आती है, जो हारता है उसकी सत्ता खत्म होती है। अगर मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवशाही को खत्म की तो फिर महाराष्ट्र में मुगल शाही आनी चाहिए थी, नहीं आई। पेशवाई कैसे आ गई? पेशवाई कैसे आ गई? पहले सेशन में जो बात की कि पीठ पीछे झाड़ू बांधी जाती थी और थूकने के लिए गले में मटकी लटकाई जाती थी, सही है, वो उसी महाराष्ट्र में पेशवाई काल में हुआ। बाकी देश के हिस्सों में अलग अलग तरीकों से अन्याय और अत्याचार हुए, अपमानित करने का काम हुआ, लेकिन ये मेरे महाराष्ट्र में हुआ। तो इतिहास इस तरह से रचा गया कि आने वाले कई सौ साल तक इन ब्राह्मणवादियों को अपना राज चलाने में किसी किस्म का धोखा खतरा पैदा न हो। इसीलिए होसबोले ने भी कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है। और हमारे बहुत सारे SC ST OBC साथियों को भी मैं देखता रहता हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर काम जो है वो मराठा समाज में करता हूं, कुणबी समाज में करता हूं। कुणबी समाज तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जात थी, खेती बाड़ी किसानी। तो ये जो बार बार शब्द इस्तेमाल होता है हिंदू राष्ट्र, आजकल RSS भी बहुत चिल्लाने लगा है कि जाति तोड़ो, जातियां नष्ट करो और सब हिंदू एक हो जाओ। बामसेब भी कई सालों से कह रहा है कि जाति तोड़ो, बाबा साहब ने भी कहा था, इनहेलिशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने तो अपने जीवन में ही पुस्तक लिखा था, मुक्ति कोण पथ्य भी लिखा बाबा साहब ने, कि हमारा मुक्ति मार्ग क्या होगा। तो फिर क्या फर्क है? बामसेब भी कह रहा है कि जाति तोड़ना चाहिए, बाबा साहब ने कहा, और अब RSS भी कह रहा है कि जातियां खत्म होनी चाहिए या नहीं, जातियां तोड़ना चाहिए, दोनों में बड़ा फर्क है। हम इसलिए कहते हैं कि हम इस भारत के मूल निवासी हैं, हम इस भारत के शासक हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं है कि हम इस भारत के मालिक हैं। इसलिए हम डिमांड करने वाले बन गए, कमांड करने वाले नहीं रहे। हम हमेशा अपनी मांगे लेकर जाते हैं, कभी किसानों की, कभी बेरोजगारों की, कभी शिक्षा की, कभी स्वास्थ्य की, हर समस्या के लिए हम उनके पास जाते हैं जिनको डिमांड करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं डिमांड। हम कहते हैं हम 85% हैं, हम 85% हैं, लेकिन इसके बावजूद हम 15% के बाद डिमांड करते हैं। तो उनका जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा है वो किसके लिए है? वो आपके लिए नहीं है। OBC की जातीय आधारित जनगणना कराने की हिम्मत बिहार सरकार ने की, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं की? हमारे देश का प्रधानमंत्री तो कहता है ना कि मैं दलित मां की कोख से पैदा हुआ हूं। OBC की जातीय जनगणना कराइए, कराइए भाई,
इस देश के ओबीसी को पता तो चले कि इस देश में ओबीसी की जनसंख्या है क्या, आईएएस ऑफिसर कितने हैं, सचिवालय कितने हैं, मंत्रालय कितना है, उनकी क्या हैसियत है, कितने एसीपी डीसीपी सीपी कितने हैं, आईजी, सब समझ में आएगा देश के सामने। लेकिन हमारी जो 27% जो आरक्षण है ओबीसी का, उसको भी बड़ी मात्रा में खत्म करने का काम हो रहा है, जबकि हम लोग शासन के दिए गए जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम लोग कम से कम 52% हैं, लेकिन आरक्षण 27%। तो हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानते, हम अपनी पहचान को भी भूल गए। यह हमारी समस्या है। हम 85% कैसे? क्योंकि हमको हमारी जो असल पहचान है उससे हटा दिया गया है और एक झूठी पहचान हम पर थोपी गई है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हिंदू शब्द का अर्थ होता है काला, जो उसका पर्शियन शब्द का अर्थ होता है काला। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, धार्मिक नहीं है, संस्कृत के भाषा में नहीं है, किसी वेद में नहीं है, ये ज्योग्राफिकल टर्म है। आरिफ मोहम्मद खान भी, जो केरल का वो राज्यपाल है, उसने भी कहा कि मुझे भी आप हिंदू बोलिए, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल टर्म है। ये सही है कि हिंदू ये ज्योग्राफिकल टर्म ही है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो काली थी, यहाँ के लोग जो तुर्की और अफगानी थे उनके हिसाब से ईरानी लोग थे, वो थोड़े से गेहूं रंग के या थोड़े से ब्लैकिश थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो काली मिट्टी के रहने वाले काले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू और ये हिंदुस्तान। ये ज्योग्राफिकल टर्म था, है ना? लेकिन अब वो ज्योग्राफिकल टर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, वो होता है धार्मिक आधार पर। अब उन्होंने चालाकी की तो हमको भी चालाक थोड़ा होना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि हिंदू ये किसी धर्म का नाम नहीं है, इसलिए पिछले कुछ सालों से उन्होंने हिंदू धर्म बोलना बंद कर दिया है और बार बार चिल्लाते क्या है, सनातन धर्म। बार बार कहते हैं ना, सनातन धर्म सनातन धर्म। लेकिन पूरा मीडिया और सब मिलकर धुआंधार प्रचार में लगे हैं कि आप हिंदू मत बोलिए, आप बोलिए हम सनातन धर्म है, क्योंकि हिंदू बोलते ही जातियां आएंगी। जाहिर बात है कि हिंदू, जैसे अभी हमेशा आप सुनते रहे कि 6,000-6,500 जातियां हैं, तो हिंदू बोलते ही ये नंबर समझ में आता है। जैसे बहुत बार मैं दफेदार कहता हूं तो महाराष्ट्र में उनको समझ में नहीं आता कि इनकी जाति कौन सी है, या अभी हमारे यहाँ पर कोई, हाँ जैसे किसी का नाम आप मुझे बताइए, जैसे किसी ने नाम बताया कि भाई मैं रवि कामले हूँ, तो कामले नाम सुनते ही मुझे फिक्र होने लगती है, यार इसकी जात क्या होगी, ये जात क्या होगी। मैं ट्रेन में आ रहा था, एक पंडित जी बैठे हुए थे, वो कुछ पांडे थे, तो एक लड़का फोन पे बात कर रहा था, तो उसने उत्तर प्रदेश की कुछ उनकी भाषा दी, कहा कि वो फोन की जो रिंग होती है, उसने कहा कि कुछ त्रिपाठी, तो उसने कहा अरे अपना ब्राह्मण वाह है। खैर मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगा, क्योंकि मैं समझता हूं आप भी समझते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो प्रश्न आया कि अगर वो त्रिपाठी है तो ये कहने की क्या जरूरत है कि ये ब्राह्मण है। समझ में आ रही है ना बात आपको? क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये हमारा है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप लाख 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 आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, आपकी वही हैसियत रहेगी जो मनुस्मृति ने आपके लिए तय की है, इसके आगे कुछ नहीं। ये आपकी आइडेंटिटी है जो मनुस्मृति ने बताई है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको समझना है। तो इतिहास में द्वेष इसलिए लिखा भरा गया, दिन रात भरा गया, ताकि मुसलमानों से नफरत पैदा की जाए। देखिए मैं मुसलमान हूं,
मैं अच्छा मुसलमान उसको मानता हूं जो अपने धर्म को पढ़े, उसको समझने की कोशिश करे और बिना किसी भेदभाव के वो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ उतना ही अच्छा संबंध रखे, व्यवहार करे जितना वो अपने सगे भाई से करता है, मैं उसको अच्छा मुसलमान मानता हूं। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो घटिया मुसलमान है वो, घटिया मुसलमान है वो। लेकिन एक हिंदू को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने धर्म के ग्रंथों को भी पढ़े, उसमें क्या शिक्षाएं दी गई उसको भी समझे, और फिर दूसरों के साथ, अपने साथ भी, अपने धर्म वालों के साथ भी और दूसरों के साथ भी, दूसरे धर्म वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करे। लेकिन हो क्या रहा है, आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से कि हिंदुत्व जब तक पूरा नहीं होता, जब तक के मुसलमान को गाली ना दी जाए, जब कोई कहता है कि मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, इसका मतलब यह है कि उसने मुसलमानों को गालियां देना ही चाहिए, वरना वो हिंदुत्ववादी हो नहीं सकता। ये बड़ी अजीब टेंडेंसी है कि मैं अगर कट्टर मुसलमान हूं तो मैं हिंदू को कैसे गाली दे सकता हूं, मैं आपके द्वेष की बुनियाद पर अच्छा मुसलमान कैसे बन सकता हूं, यह तो बड़ी अजीब बात है। अगर मैं कट्टर मुसलमान हूं तो मुझे इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मैं दूसरे धर्म को बुरा भरा बोलकर या दूसरे धर्म के मानने वालों को गालियां देकर अच्छा हिंदू कैसे बन सकता हूं, ऐसा हो रहा है। और इसीलिए इतिहास कहते हैं ना कि जिन्होंने इतिहास को पढ़ा नहीं वो इतिहास का निर्माण भी नहीं कर सकते, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। हमने अपना इतिहास भुला दिया है, हमको अपना इतिहास पढ़ने की, समझने की जरूरत है। और वो इतिहास हमारे अपने विचारधारा के लोगों के जरिए लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सही इतिहास नहीं समझेंगे, सही इतिहास, देखिए इतिहास इतिहास होता है, वो ब्राह्मणों का हो सकता है, मुसलमानों का हो सकता है, दलितों का हो सकता है, और किसी का हो सकता है, क्रिश्चियंस का हो सकता है, किसी राज्य किसी देश का हो सकता है। इतिहास का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हमारे देश में इतिहास को जिस ढंग से लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उससे द्वेष पैदा किया जा सके। और मोदी सरकार की, भाजपा की जो कामयाबी है वो क्या है, वो उनके काम की नहीं, विकास की नहीं, द्वेष पर आधारित राजनीति का फल है। इसीलिए इस भारत में हर साल 1,00,000 से ज्यादा सुशिक्षित नौजवान जो बेरोजगार है वो आत्महत्या कर रहा है। देखिए सरकारी डेटा, हर साल 1,00,000 से ज्यादा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जिसके हाथ में नौकरी नहीं, वो आत्महत्या कर रहा है। ये चीजें हमको और आपको ढूंढना पड़ता है कि क्या गवर्नमेंट का डेटा है, क्या फैक्ट्स है। हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी रोटी रोजी की समस्या है, वो स्वास्थ्य की और शिक्षा की है। और अभी जो कल बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, सबसे कम बजट भारत के नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। देखो आप, सबसे कम बजट शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो बताइए, जिस देश में शिक्षा पर सबसे कम बजट हो, क्या वो देश कभी विकसित हो सकता है? अरे कुछ तो हमारा दिमाग भी तो चलना चाहिए। शिक्षा पर सबसे पहली बार इतिहास में 75 साल अमृत काल चल रहा है ना हमारा, सबसे कम बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और इसके लिए मैं आपसे बहुत ही आदर के साथ कहता हूं कि ये जो आइडेंटिटी है मूल निवासी की, ये 100 सोनार की तो 1 लोहार की है।
ये आइडेंटिटी हमको अपनी पहचान भी देती है, ये सामाजिक पहचान है। धार्मिक पहचान, जातीय पहचान अलग अलग हो सकती है, ये सामाजिक एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है हमारी। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये एक अलग विषय है, वो आपकी धार्मिक पहचान हो सकती है, लेकिन हमारी सामाजिक और पॉलिटिकल पहचान ये मूल निवासी की है। और इस शब्द में बड़ी ताकत है, इसीलिए तो हसबुल्ले ने कहा कि तुम्हारा और हमारा सबका डीएनए एक है, वरना कहता क्यों? कभी उनको डीएनए याद नहीं आया। बाल गंगाधर तिलक ने तो लिखा ना कि हम लोग आर्य ईरान से आए हुए लोग हैं, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। औरंगजेब ने जिजिया कर लगाया, तब उन्होंने कहा कि अरे हम भी विदेशी और आप मुगल भी विदेशी, तो आप विदेशी और हम विदेशी, विदेशियों पर कर कैसे लगाते हो, टैक्स कैसे लगाते हो, हमको तो बाबा छोड़ दो। यानी वहां टैक्स के लिए उन्होंने अपने आप को विदेशी कहा। तब सवाल यह नहीं किया उन्होंने कि आपका और हमारा डीएनए अलग अलग है। जहां पैदा होगा वहां पर डीएनए एक बनता है, और इसीलिए जितने कथावाचक और ये सब जो चल रहा है अलग अलग आध्यात्मिक गुरु बनकर, अब तो खुलेआम हो रही है कि ये देश चलेगा तो रामायण और गीता के आधार पर चलेगा। बागेश्वर बाबा ने कहा दो दिन पहले, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि किसी हरामखोर में ये हिम्मत नहीं है कि ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से चलेगा, वरना लड़ाई हमारी और तुम्हारी आर पार की होगी। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा सिर्फ, न किसी मुसलमान के कानून से चलेगा, न किसी मनुस्मृति के आधार पर चलेगा। जिन लोगों ने इस्लाम का कानून लगाने की कोशिश की अफगानिस्तान में, देखा ना आपने क्या किया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया धर्म के नाम पर। यहां पर भी वही करने का सारा तमाशा और सारा प्लानिंग चल रहा है। आपको अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और एक आभासी शत्रु मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप रोटी की बात करेंगे तो बोलेंगे मुसलमान, आप कपड़ा की बात करेंगे तो बोलेंगे मुसलमान, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो बोलेंगे मुसलमान। चाहे घर हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइट हो, चाहे सड़क हो, कोई भी समस्या की बात कीजिए तो आपको बताएगा पहले मुसलमान। और हमारे लोग भी बड़े भोले होते हैं, उनको लगता है कि हाँ हिंदू खतरे में है। कुछ साल पहले कांग्रेस के राज में कुछ मुसलमान मौलवी चिल्लाते थे मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं 800 साल मुगल थे, ईरानी थे, तुरानी थे, अफगानी थे, ये भारत कभी भी खतरे में नहीं था, हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था। मोदी के आते ही सारा हिंदू खतरे में आ गया। 800 साल मुगल ने राज किया, मुगल ने किया, अफगानी ने किया, ईरानी ने किया, तुर्की ने किया, फ्रेंच ने किया, डच ने किया, ब्रिटिश ने किया, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। अब मोदी के आते ही सारा हिंदू खतरे में हो गया। अरे इतना ही खतरे में तो उसको हटा दो भाई, हमको बिठा दो, सारा खतरे से बाहर निकाल देंगे हम, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखने की बात यह है साथियों कि आपको और हमको जो चल रहा है और जो हमको दिखाया जा रहा है, इसको फर्क महसूस करने की जरूरत है। जो हो रहा है वो अलग है, जो हमको दिखाया जा रहा है वो अलग है। तुम्हारे और मेरे दिमाग में एक चिप बिठाई गई है, चिप, क्योंकि हमारी चर्चा भी यही होती है सुबह से शाम तक, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, दिन रात हमारे पास चर्चा वही होती है। हमारे पास शिक्षा, नौकरी, रोजगार, इन समस्याओं पर जितनी देर हम चर्चा और आप करते हैं, सोचिए आप, उससे ज्यादा हमारे पास चर्चा किसकी होती है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्यों? क्योंकि सारे टीवी एंकर्स दिन रात इस मिशन को जानबूझकर चलाए हुए हैं ताकि आप लोग अंधे बन जाए, आप गूंगे बन जाए, आप बहरे बन जाए, आपको सुनाई न दे के दूसरों की चीख क्या है, दूसरों की समस्या क्या है। आपको अंधे बनाना चाहते हैं, इसके लिए ये दिन रात हिंदू मुसलमान चलाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध बन गए, हमारे भी पूर्वजों ने उससे पहले किया। आज भी कई लोग मुसलमान बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, बौद्ध बनते हैं। मुसलमानों को अक्सर एक गाली दी जाती है अपमानित करने के लिए, अरे आपके पूर्वज बड़े डरपोक थे,
बहुत डरपोक थे, डरकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर बाबा साहब ने क्यों किया, वो भी तो हिंदू धर्म छोड़कर ही गए ना। किसने डराया था बाबा साहब को, किसी ने भी नहीं। और अगर मैं कड़वी भाषा में बोलूं तो शायद अच्छा ना लगे इन ब्राह्मणवादियों को, हमारे पूर्वज तो शूर थे जो तुम्हारी उस व्यवस्था पर लात मार कर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, जो बुजदिल डरपोक थे वो उसी धर्म में पड़े रहे। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई ये सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं है। आप जिस धर्म के हो, हमारी आइडेंटिटी और आपकी आइडेंटिटी जो है वो मूल निवासियों की है, क्योंकि जैसे मुगल बाहर के थे उसी तरह से ये आर्य भी बाहर के हैं, जिन्होंने आज तक हजारों सालों से गुलाम बना के रखा है। और इस संविधान ने आपको और हमको उस व्यवस्था परिवर्तन से मुक्त कराने की एक चाबी दी है, इसीलिए ये संविधान आज खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, ब्राह्मण खतरे में नहीं है, हमारा देश का जो संविधान है वो खतरे में है, ये समझ लीजिए। अगर ये संविधान खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा और हमारा जो अस्तित्व है इस पर एक बहुत भारी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि हमारी और आपकी लड़ाई संवैधानिक मार्ग से चल रही है। इसको समझने की जरूरत है, ये बहुत नाजुक विषय है, देश पूरे एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और यहां पर हमारा और आपका यह कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम एक ऐसे सब्जेक्ट पर, एक ऐसे विषय पर, एक प्लेटफॉर्म पर आए जहां आपकी और हमारी पहचान एक हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो 6,000 जातियों से ज्यादा में बटा हुआ हमारा हिंदू भाई हो, उसकी पहचान मूल निवासी है और वही होनी चाहिए। और इसी आधार पर तुम्हारा और हमारा साथ मिलकर संघर्ष होगा इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। यह संविधान बचेगा तो देश बचेगा। और मैं मुसलमान होने के नाते फिर एक आखिर में बात कह दूं कि अगर हमको सबसे ज्यादा जिनसे आशाएं हैं, सबसे ज्यादा हम जिनको समझते हैं कि हाँ ये लोग ही हैं जो आगे बढ़कर सबसे पहले इस देश के रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वो इस देश का SC ST OBC। SC ST OBC है, इसमें शक्ति है, ये शेर है, इसको जगाने की जरूरत है। तो आइए आप और मैं और हम सब मिलकर हमारे अपने मूल निवासी भाइयों को जगाए भी और उनको यह बताए भी कि आप शासक थे, आपको दोबारा शासक बनना है। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।